सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा जो विषय है कक्षा 8 की पहली कविता ध्वनि होगा और मैं सुनीता रानी इस कविता को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए हम लोग अपनी कविता को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कविता का नाम जान लेते हैं। कविता का नाम क्या है? ध्वनि कविता है, ठीक है। ध्वनि का अर्थ आप लोग यहाँ पे मुझे बताइए यदि आप लोगों को पता है तो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ध्वनि होती है एक आवाज़, साउंड जिसको हम बोलते हैं, जो आती है, वॉइस जिसको बोला जाता है। अलग अलग प्रकार की ध्वनि जो है हमारे इस संसार में विद्यमान है, जो हमें सुनाई देती है। कभी कभी ध्वनि जो है बाहर की ध्वनि होती है, जैसे संगीत ध्वनि होती है। कभी कभी हमारे अंतर्मन की भी ध्वनि होती है। अंतर्मन की ध्वनि का अर्थ क्या है यहाँ पे? हमारी जो आत्मा की आवाज़ है, जो हमारे मन की आवाज़ है, जैसे हमारे मन की आवाज़ क्या कहती है, हमारी आत्मा की आवाज़ क्या कहती है, वो भी क्या होती है? एक ध्वनि होती है, वो भी आवाज़ देती है हमें, ठीक है। तो ध्वनि कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसको आपको याद रखना होगा बच्चों, क्योंकि जो है यहाँ से कविता का जो है जब पैराग्राफ दिया जाता है तो वहाँ से कवि का नाम भी पूछा जाता है और कविता का नाम भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि कौन है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अच्छे से याद कर लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं छायावादी कवि हैं। इन्होंने प्रकृति से संबंधित अनेक कविताओं की रचना की है। हालांकि जो आपके पाठ्यक्रम में कवि से केवल एक ही प्रश्न आता है, केवल उसका नाम पूछा जाता है, इसलिए मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पे विस्तार से नहीं बताऊंगी। हमारे CBSE के पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पे हम केवल अपना टारगेट फिक्स रखेंगे, ताकि हमारा जो है, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो मेहनत है, वो हमारी सही दिशा में लगे और हम पूरे पूरे अंक प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रकृतिवादी कवि हैं। प्रकृतिवादी कवि कौन होते हैं? जो नेचर से संबंधित कविताएं लिखते हैं। तो इन्होंने ये कविता भी जो है प्रकृति से संबंधित ही लिखी है। कविता को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो इस कविता में प्रयोग होंगे। तो पहला जो शब्द है यहाँ पे मृदुल है। मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे जो आप लोगों ने जो देखे होंगे, जब नए नए पत्ते पेड़ों पर आते हैं तो वो कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप उनको कभी छू कर देखना, या बच्चों के जो हाथ होते हैं, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो कैसे होते हैं? उनके हाथ बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। पात शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? पत्ता, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं। गात जो है यहाँ पे, कभी कभी मैंने गाँव की आंचलिक भाषा में भी सुना है, गाँव के लोग जो बोलते हैं गात गर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं शरीर, हमारी बॉडी, ठीक है। निद्रित मतलब सोया हुआ, निद्रित या निद्रा का एक पर्यायवाची है ये, ठीक है, सोया हुआ इसका अर्थ। प्रत्युष एक पर्यायवाची शब्द होता है प्रातःकाल का, प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह, ठीक है, ये आप लोगों को ये भी याद रखना है। तंद्रालस शब्द का अर्थ क्या है? नींद से अलसाया हुआ। देखो तंद्रालस ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तंद्रा प्लस तंद्र प्लस आलस, ये संधि विच्छेद भी आ जाता है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तंद्र मतलब निद्रा और आलस मतलब उसको आलस आ जाना, आप लोगों को भी आलस आलस आता रहता है, तो नींद में जो होता है व्यक्ति। लालसा क्या होता है? कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा, कुछ करने की चाह, ठीक है, जो हमारे मन में विद्यमान होती है। चलिए आप लोगों ने अर्थ जान लिए, अभी हम कविता को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो कविता है विद्यार्थियों, ये लॉकडाउन के समय की बहुत ही बेहतरीन कविता है। ये हमारे समय पे आज भी लागू होती है, और कैसे लागू होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस कविता का हम पाठ प्रवेश जान लेते हैं पहले। इस कविता में कवि ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन किया है, और वसंत ऋतु में किस प्रकार से चारों ओर हरियाली छा जाती है, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, लोगों के मन में आलस की जगह पर एक अलग सा उत्साह होता है, ठीक है। तो इसमें कवि बताते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति अपने संपूर्ण कार्य करती है, कोई भी कार्य में वो आलस नहीं करती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने कार्य को जो है हमेशा ऊर्जावान होकर करना चाहिए। जैसे अभी मैं आप लोगों को बच्चों बताऊं, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है,
तो लॉकडाउन के समय में आप सभी का पढ़ने का मन नहीं करता होगा कि स्कूल ओपन हो गए तभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ऐसे कुछ विद्यार्थी भी हैं, खुद मेरे जानकार ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको मैंने जो भी काम करवाया है आज तक उन्होंने बहुत अच्छे से आगे से बढ़ चढ़ कर उस कार्य को किया है। तो ऐसे विद्यार्थियों की सफलता भी उनके कदम हमेशा चूमती है, क्योंकि वो अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करते। चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर जो कवि हैं ये कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, किसको कह रहे हैं, ये स्वयं को कह रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि अभी मानव जाति का अंत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यहाँ पे वसंत की तुलना व्यक्ति के मन से की गई है कि अभी अभी तो मेरे मन में बहुत ही ऊर्जा आई है, बहुत ही खुशी आई है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं उसी प्रकार से मेरे मन में अभी आनंद आया है। अभी वसंत रूपी जिस प्रकार से पत्ते आए हैं तो मेरे मन में एक नई ऊर्जा आई है, तो मेरा अंत अभी नहीं होगा। अंत का मतलब यहाँ पे जीवन समाप्त होना, कि मेरा जीवन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अभी अभी क्या करना सीखा है, अभी अभी मेरा मन ऊर्जावान हुआ है, अभी अभी मेरे मन ने आनंद लेना सीखा है। तो अभी कैसे हो सकता है, जैसे विद्यार्थियों आप लोग अभी 8वीं कक्षा में पहुंच गए हैं, अभी अभी तो आप लोगों को ज्ञान आना शुरू हुआ है, तो अभी आप मरने की बातें नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी अभी तो आप लोगों ने जीवन को जीने का ढंग सीखा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वन में मृदुल वसंत, इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुन लें क्योंकि इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे वन में मृदुल वसंत की, मेरे मन रूपी वसंत में, कि मेरे मन रूपी वसंत में जिस प्रकार से वसंत में चारों ओर हरियाली आती है, पक्षी चहचहाते हैं, वर्षा होती है और क्या होता है, सभी लोग आलस को छोड़कर ऊर्जावान हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन रूपी वसंत में अभी नई नई शक्ति पैदा हुई है, मेरे मन में अभी नई नई रुचियां पैदा हुई हैं, तो मेरा अभी अंत संभव नहीं है। आई होप आप लोगों को पहला पैरा समझ में आ गया होगा, अगले कर देते हैं। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर हाथ, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब हमें यहाँ समझना है हरे हरे, जो ये शब्द आया है यहाँ पे हरे हरे, तो यहाँ पे क्या है ये हरे हरे, यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार कौन सा होता है विद्यार्थियों, जो एक ही शब्द का दोबारा से प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे हरे हरे में योजक चिन्ह भी लगाया गया है, तो कौन सा हो गया, पुनरुक्ति अलंकार हो गया। ये आप लोगों से कभी कभी भाषाई स्तर पर पूछा जा सकता है। पात क्या हो गया, यहाँ पे पत्ते हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था हरे हरे पात, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं ये जो पत्ते हैं ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को विद्यार्थियों, हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, कि अभी अभी तो वसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते किन पर आए हैं, हरे हरे डालियों पर हरे हरे पत्ते आए हैं। कलियां क्या होती है, ये एक तरीके की इनकी पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती हैं, और ये जो जैसे ये एक हो गया, ये क्या होगी, ये कली हो गई, यहाँ पे जो है अनेक पत्ते लगा देते हैं हम लोग, ये डालियां हो गई इस तरीके से इनकी निकली, ये डालियां हो गई, और जो पत्तों की पंखुड़ी होती है ये क्या हो गई, इनकी कलियां हो गई, इस तरीके से याद रखना है। तो अभी अभी क्या हुआ है, पेड़ों पर नई नई डालियां आई हैं, उन डालियों पर अच्छी अच्छी कलियां खिली हैं, और उनके शरीर कैसे हैं उन कलियों के, बिल्कुल ही नाजुक, मतलब बहुत ही कोमल शरीर हैं, और उन पर पत्ते भी नए नए आए हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। आगे कवि क्या कहते हैं कि मेरे स्वप्ने में भी मृदुल कर, मतलब मेरे स्वप्ने में भी बहुत ही अच्छे अच्छे सपने मुझे भी आए हैं कि मैं इस समाज में कुछ नया कार्य करूंगा, अभी तो मैंने इस समाज में कुछ करने की ठानी है, तो मैं क्या करूंगा, कर का अर्थ यहाँ पे है हाथ, तो मैं अपने उन स्वप्नों पे क्या करूंगा, हाथ अपना फेरूंगा। जिस प्रकार से कोमल पत्तियों पर, जैसे इन पत्तियों पे मैं यहाँ पे हाथ फेरूं, तो इन कोमल पत्तियों पर हम जिस प्रकार से हाथ फेरते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने उन स्वप्नों पर जो मैंने देखे हैं कि जो इस समाज में मैं एक परिवर्तन की धारा लेकर आऊंगा, इस समाज के लिए बहुत कार्य मैं करूंगा, तो उन स्वप्नों को मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, जगाऊंगा।
निद्रित कलियों पर, निद्रित कलियों पर मतलब जो ये कलियां हैं अभी थोड़ी सोई हुई सी कलियां हैं, अभी वो नींद में हैं, लेकिन उन कलियों को क्या करूंगा, मैं जगा दूंगा। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि अभी मेरे मन में कुछ सोए हुए विचार हैं, अभी मेरे मन के विचार पूरी तरीके से जागे नहीं हैं, लेकिन मैं अपना हाथ उन कलियों पर फेर कर, यानी मैं अपने मन को फिर से अच्छी तरीके से जगाऊंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, मनोहर मतलब सुंदर, और मेरे मन के उन अच्छे विचारों को जगाकर मैं क्या करूंगा, एक अच्छी सुबह लेकर आऊंगा, मनोहर एक सुंदर ही अपनी सुबह प्रातःकाल में लेकर आऊंगा। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, कवि क्या कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसकी, वसंत ऋतु की अपने मन से। वसंत ऋतु में जिस प्रकार से नए नए पत्ते आते हैं, नई नई डालियां आती है, कोमल उनके शरीर होते हैं, उसी प्रकार से मेरे अभी स्वप्न भी कैसे हैं, कोमल हैं, अभी नए नए ऊर्जावान हैं, मैंने समाज में कुछ परिवर्तन करने का अभी सोचा है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो है, लेकिन वो जो विचार हैं, वो जो सपने हैं, अभी मेरे मन में जिस प्रकार से कलियां शुरुआत में सोई हुई सी लगती हैं, लेकिन वसंत ऋतु आते ही वो जाग जाती हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में जो सपने अभी सोए हुए हैं, उनको मैं स्वयं जगाऊंगा और क्या करूंगा, उन पर हाथ अपना फेरूंगा, और साथ ही जगह एक प्रत्युष्मन, तो उससे क्या होगा, एक बहुत ही सुंदर मनोहारी प्रत्यय होगी जो कि बहुत ही ऊर्जावान होगी। बच्चों आप लोगों को सुबह जब जैसे ही उठते हैं, तो उठते ही आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। यदि आपको फ्रेश फील नहीं होता, आलस फील होता है, या आपका कुछ करने का मन नहीं करता, इसका मतलब आपका मन खुश नहीं है। जब व्यक्ति का मन खुश होता है, तो वो सुबह की जब नींद लेकर उठता है, तो वो बहुत कुछ उसमें ऊर्जा होती है, वो बहुत कुछ कार्य करने का सोचता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कवि भी अपने मन की चर्चा कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, पुष्प पुष्पे से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प, यहाँ बच्चों फिर से समझ जाओ, पुष्प पुष्प में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है। इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में भी लिख लेना, क्योंकि भाषा की बात जब आती है तो वहाँ पे इस तरीके के प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो पुष्प पुष्प, क्योंकि एक ही शब्द का दूसरी बार यहाँ पे फिर से प्रयोग किया गया, इसलिए पुनरुक्ति अलंकार हो जाए, एक ही बार की, एक ही उक्ति की फिर से, पुनः मतलब दोबारा से बोलना। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, मतलब यदि किसी भी एक एक फूल में तंद्रालस, यदि वो नींद में सोया होगा, तो लालसा खींच लूंगा मैं, तो उनकी सोने की इस आशा को या इस इच्छा को मैं क्या कर लूंगा, खींच लूंगा, समाप्त कर दूंगा। किस प्रकार से समाप्त कर देंगे कवि, अपने नव जीवन का अमृत, उस उनमें मैं अपने नए विचारों का जीवन भर दूंगा, और जीवन भर दूंगा साथ में अमृत सहर्ष सींच दूंगा, और उन फूलों में मैं अमृत रूपी, अमृत आप लोगों को जानते होंगे जो देवता लोग पीते हैं, जिसको पीकर व्यक्ति कभी भी मरता नहीं है, हमेशा ऊर्जावान रहता है, उससे यहाँ पर अपने विचारों की तुलना कवि ने की है कि मैं अपने नए विचारों रूपी अमृत से हर एक फूल को हमेशा उनको सींच दूंगा। सींच देने का अर्थ क्या होता है, पौधों में पानी देना, कि मैं अपने नए रूपी विचारों के अमृत से हर एक फूल को मैं सींच दूंगा, यानी उनकी आलस को मैं खींच लूंगा, यानी उनके आलस को मैं भगाकर उसकी जगह पर क्या कर दूंगा, अपने नए विचारों का वहां पे संचार कर दूंगा। इसीलिए समाज में भी यही कह रहे हैं कवि कि मैं जो है अपने समाज में जो विद्यमान बुराइयां हैं, उनके स्थान पर मैं जो है अपने जीवन, अपने समाज में परिवर्तन लेकर आऊंगा, और क्या करूंगा, उस समाज में उन सारी बुराइयों को हटाकर उनके जगह पर नई, कुछ नई अच्छे विचारधाराओं को मैं, अमृत रूपी विचारधाराओं को मैं समाज में विद्यमान कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, मैंने आप लोगों को कक्षा में भी बताया था। क्या होता है अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप लोगों की भाषा की बात में इस तरीके के प्रश्न आएंगे, और आगे जो है आप 12 तक जब भी जाएंगे, तो इस तरीके के अलंकार हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। द्वार दिखा दूंगा, अब देखो इन तीनों ही पंक्तियों में, तीनों ही उसमें क्या हो रहा है, द शब्द यहाँ भी यूज हुआ, द शब्द यहाँ भी यूज हुआ, और द यहाँ भी प्रयोग में हुआ।
तो द्वार दिखा दूंगी। द वर्ण की आवर्ती के प्रयोग के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अभी देखिए, दीवार द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार मतलब दरवाजा, कि इन सारी बुराइयों को मैं क्या दिखा दूंगा? एक अलग दरवाजा दिखा दूंगा। और उसमें क्या दिखाऊंगा उस दरवाजे में? कि मेरे पास असीम ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा है, जिससे मैं जो है समाज में बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ। उस दरवाजे में तुम जैसी बुराइयों का कोई स्थान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहाँ वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनंत मतलब जहाँ मेरे मन में बहुत सारी, अनंत मतलब अनंत, अनेक विद्यमान, अनेक इच्छाएं जो हैं विद्यमान हैं, अनेक विचारधाराएं विद्यमान हैं, तो उन इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी जो है ये समय बहुत बुरा चल रहा है, ये बहुत बुरा नहीं, बल्कि ये ऐसा समय चल रहा है जिसमें आप स्वयं में बहुत परिवर्तन लाकर अपने आप को आप जान सकते हैं, अपने टैलेंट को जान सकते हैं, और इस प्रकार से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वसंत ऋतु की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु जो है कौन से महीने में होती है? लगभग फरवरी से मार्च के महीने में होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से त्यौहार यहाँ पे होते हैं? देखो आप, फरवरी में, मार्च में जो है हमारा होली का त्यौहार भी इसी के समय आता है। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी का त्यौहार भी आता है। और वसंत ऋतु के बारे में बच्चों मैं बताना चाहूँगी कि वसंत ऋतु को जो है ऋतुओं का ऋतुराज भी कहा जाता है। ऋतु मतलब जो छः महीने में जो ऋतुएँ बदलती हैं हमारी, ऋतुराज क्यों कहा? ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है वसंत ऋतु को? क्योंकि वसंत ऋतु में आते ही क्या होता है, व्यक्तियों के सभी नकारात्मक विचार या फिर प्रकृति में भी जो नकारात्मक चीज़ें चलती हैं, नकारात्मक का अर्थ क्या है प्रकृति में? कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की नकारात्मक चीज़ें जो हैं त्रासदी प्रकृति में भी होती रहती हैं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है इन सभी त्रासदियों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और वसंत ऋतु में नए अधिक जो हमारा मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना हो जाता है, न उसमें अत्यधिक गर्मी होती है, न अत्यधिक सर्दी होती है, और व्यक्तियों में, सभी पक्षियों में, सभी पेड़ पौधों में एक नए जीवन का संचार होता है। इसलिए ही क्या कहा गया है वसंत को? ऋतुओं का ऋतुराज कहा गया है। अब आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि क्यों नहीं होगा कभी भी अंत? क्योंकि उनके मन में जो है हमेशा नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होती रहती हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु में हमेशा नए नए पत्ते आते हैं, चारों ओर पक्षी लहराते हैं, चारों ओर पक्षी चहचहाते हैं, और जो प्रकृति पूरी तरीके से लहलाने लगती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के सभी नकारात्मक विचारों का अंत हो जाता है और एक नई ऊर्जा हमेशा उसमें आती है। तो इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि उनका अंत कभी भी नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? कौन कौन से करता है बच्चों? आप लोग सोचिए इसका क्या होगा, क्या करते हैं? जो जो पुष्प जो हैं, जो फूल हैं, जो थोड़े से आलस में हैं, जो निद्रा में हैं, उनको जो है कवि क्या करते हैं? अपने हाथों से उनको उठाने का प्रयास करते हैं, अपने कर कमलों से उनको उठाते हैं, और क्या करते हैं? उनमें नए विचारों का अमृत वो क्या कर देते हैं? सींच देते हैं। इस प्रकार से आप इसका कर सकते हैं। कवि पुष्पों की निद्रा और आलस से दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? वही प्रश्न को हम फिर से लिख सकते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कविता से आगे मैं दूसरा प्रश्न भी बता चुकी हूँ। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन बातों से कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किस प्रकार से? जैसे आप लोग सोचिए, ऋतु परिवर्तन, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, जैसे गर्मी की ऋतु गई तो सर्दी की ऋतु शुरू होती है। जैसे ही सर्दी की ऋतु शुरू होती है, विद्यार्थियों आप लोगों ने देखा होगा कभी आपको ठंड लगना शुरू होती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, ये क्या है? ऋतुओं का प्रभाव है। इसी प्रकार से जब गर्मी आती है, कभी लू लगने का डर होता है व्यक्ति को, तो कभी उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी हमें महसूस होती है, तो ये क्या है? ऋतुओं का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसी प्रकार से वसंत ऋतु का भी गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर
पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी यदि कुछ पंक्तियों का अर्थ आप समझाने में मैं यदि सक्षम नहीं हो पाई हूँ तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जो है आप लोगों को समझाने का फिर से प्रयास करूँगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, अपने मित्रों में इसको शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।